की रात मनपा के प्रवर्तन विभाग को अजीबोगरीब स्थिति से गुजरना पड़ा, जब अचानक कार्रवाई के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों ने दस्ते पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव से दस्ते के लगभग सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। महाराष्ट्र के डीजीपी हेमंत नगराले ने कहा कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है और किसी के लिए भी इसे 100% समाप्त करना मुश्किल है। 3 दिन के दौरे पर पहुंचे नगराले ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में लोग पकड़े जा रहे हैं, यह अच्छी बात है। वर्धा रोड पर कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गयी और एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गया। एनडीएस दस्ते की ओर से लॉन होटल मंगल कार्यालय को खंगाला जा रहा है। इसी श्रृंखला में गुरुवार को हुई कार्रवाई में एनडीएस दस्ते ने कुल 106 प्रतिष्ठानों की जांच की। शादी समारोह में कोविड नियमों का उल्लंघन मामले में न्यू कामठी पुलिस स्टेशन सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले राज रॉयल लॉन में बुधवार की रात 9 बजे के दरमियान जोन 5 के डीसीपी ने छापामार कार्रवाई कर लॉन को सील किया। वृद्ध दंपति की देखभाल के लिए रखी गई केयर टेकर ने ही घर से 1,20,000 रुपए का मंगलसूत्र चोरी कर लिया। पुलिस ने शिव स्मृति अपार्टमेंट भरत नगर निवासी खुशाल गेड़ा की शिकायत। नंदनगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपी ने एक घर में सीन लगाकर नगद 1,00,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने देशपांडे लेआउट निवासी शिवम राजेंद्र साडा की शिकायत पर मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश से गांजे की तस्करी कर नागपुर लाने वाले 2 तस्करों को तहसील पुलिस ने मोमिनपुरा परिसर में दबोचा। तलाशी में उनके पास लगभग 7 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि नेशनल हाईवे ने मार्च अंत तक 11,000 किलोमीटर रोड बनाने का लक्ष्य रखा है और आने वाले 5 वर्षों में 60,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण आम आदमी सफर करने से बच रहा है। 2-3 दिनों से बस यात्रियों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है।